हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से हाल फिलहाल रिलीज हुई बॉलीवुड की मच अवेटेड एक्शन पीरियड ड्रामा फिल्म। बात कर रहे हैं शमशेरा को लेकर, जो कि फाइनली रिलीज हो चुकी है। और करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से इस फिल्म का छोटा सा रिव्यू। अगर आप भी डाई हार्ट फैन है रणबीर कपूर के या संजय दत्त के, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो अब ऐसे में जानेंगे आज इस वीडियो में पब्लिक ओपिनियन, सेलेब ओपिनियन और क्रिटिक्स क्या बोल रही है मेरे भाई फिल्म को लेकर। चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। वीडियो की करते हैं शुरुआत। वेल, फिल्म काफ़ी अच्छी है। इस फिल्म को मिल रहा है मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पॉन्स पब्लिक की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से, जिसमें से कुछ लोग हैं जो इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बिल्कुल सही सुन रहे हो। और पसंद आने का कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। संजय दत्त की एक्टिंग, जो कि कहीं ना कहीं KGF के फैन रहे हैं, जिन्होंने KGF में परफॉर्मेंस देखी है संजय दत्त की, उसके बाद उन्होंने फरमाइश की थी शमशेरा की कि शमशेरा भी देखेंगे। और वाकई जो परफॉर्मेंस है इस फिल्म में संजय दत्त की पसंद की जा रही है कंपेरिजन टू रणबीर कपूर। बिल्कुल सही सुन रहे हो। और वहीं बात करूँ मैं ऑडियंस को लेकर, तो ऑडियंस यार एक हद तक सेटिस्फाइड है, अदरवाइज नॉट। अब बात की जाए सेलिब्स को लेकर, तो सेलिब्स क्या बोल रहे हैं, तो यार सेलिब्स में से कुछ लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस फिल्म को, तो कुछ लोग कहीं ना कहीं अगेंस्ट हैं इनडायरेक्टली। अब बात आ रही है क्रिटिक्स को लेकर, और क्रिटिक्स हैं अपने जाने माने तरण आदर्श। उनका रिव्यू आ चुका है, उनका वन वर्ड रिव्यू जो है फिल्म को लेकर, उससे मैं वाकई सेटिस्फाइड हूँ मेरे मॉर्निंग रिव्यू से। अगर आपने हमारी मॉर्निंग वाली वीडियो नहीं देखी रिव्यू की, जाकर देख सकते हो और आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर बात करूँ मैं वन वर्ड रिव्यू को लेकर, तो वो है अनबेरेबल, यानी कि बिल्कुल घटिया यार आप कह सकते हो। और जो रेटिंग दिया है इस फिल्म को 1.5 की, जी हाँ बिल्कुल सही इंटरेस्ट सुन रहे हो, 1.5 की स्टार की रेटिंग दी है तरण आदर्श ने इस फिल्म को। और कहा है इस फिल्म के थ्रू आउट मेमोरीज वापस आ चुकी है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की, वही माहौल एक बार देखने को मिल रहा है वाकई। यानी कि अब उन्होंने एक बात और ऐड की है, इससे आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि उन्होंने किस वे में कहा है। उन्होंने दूसरी बात ये ऐड किया है कि इस फिल्म को, इस फिल्म की नैया को, नाव को डूबने से रणबीर कपूर की पावर भी नहीं बचा सकती, रणबीर कपूर का सेटिस्फैक्शन भी नहीं बचा सकता। उनका क्या बज है, उनका फैन बेस स्टारडम भी इस फिल्म को बचा नहीं सकता फ्लॉप होने से। क्या वाकई जो बात की है, वो बात कही है तरण आदर्श ने, वो सही है? आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये फिल्म फ्लॉप होगी? क्या वाकई जो ऑडियंस एक हद तक कह रहे थे कि फिल्म वाकई पैसा वसूल बिल्कुल भी नहीं है, घटिया है, क्या ऐसा सच है? आपकी ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है, आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हो। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।